हाँ जी, सारे का की हाल चाल है? होप तुसी सारे ठीक होवोगे। तो पहले ऑडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए, कौन कौन सोचता है कि भंकुश और भंकुश की टिपिकल बहन लूम्बड़ी, ये दोनों मिलके, देखो भंकुश तो कॉपी करता ही करता था, भंकुश ने तो ए टू जेड ब्लॉगिंग में कॉपी करी है प्रीति की और उसकी फैमिली की, आगे बहन को भी उसी चीज़ पे लगा दिया है, बहन को भी उसी चीज़ पे लगा दिया है कि उन लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं और कॉपी भी उन्हीं की करनी है। ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोगों कमेंट छोड़ो कि क्या कॉपी कर रहे हैं और आपको क्या फील होता है व्लॉग्स की, भाई आप लोग तो डेली देखते ही होंगे व्लॉग, है ना, मिली जुली ऑडियंस है सब तरफ, तो आप मुझे बताना आपको किन किन चीज़ों में लगता है कॉपी कैट। एक तो कॉपी कुत्ता है, तो लोमड़ी को कॉपी कैट बोल देते हैं, चलो रिस्पेक्टफुल वर्ड है कॉपी कैट है, लोगों के शिकवे भी दूर हो जाएंगे कि आप गलत बोलते हो, तो गलत को गलत बोलना सीखो। कुछ लोगों को अच्छी सच्ची भाषा समझ में नहीं आती, उनको रूडली बतानी पड़ती है उनकी औकात कि वो क्या लोग हैं, है ना। तो आज बात करते हैं इंटेंशन की। बड़े लोग यहाँ पर फालतू के कमेंट छोड़ते हैं, ये वो, है ना, और बंदा बोल रहा है आज बोना भिखारी, भंकू बोना भिखारी, अंकुश ही बोलेंगे, हम क्यों डरे, हम भंकू क्यों गए, अंकुश बोना अंकुश बोलते हैं, चलो आज से इसका नाम बोना अंकुश है ना। तो बोना अंकुश बोल रहा है कि क्या आ गई है इनकम, आ गई है चैनल की, अगर आप लोगों बोलते हो कितनी आई है क्या, ये भी शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने ही ट्रांसपेरेंट हो तो तुम तब की इनकम शो करो जब तुमने कंट्रोवर्सी करी थी, तब की इनकम डिटेल वाइज शो करो जब तूने बच्चे के बर्थडे को लेके एक महीना लंबे व्लॉग खींचे थे ना, वो इनकम शो कर कितने लाख तूने कमाया, फिर लोगों को भी पता चले कि चार पाँच हज़ार के गिफ्ट बच्चे को भेज के, जो कि गिफ्ट भी गिफ्ट कहलाने के लायक नहीं थे, है ना, चीप चीज़ें चॉकलेट टॉफियाँ भर भर के भेज दी, जिससे जो कि बच्चों के लिए हेल्दी तो किसी भी एंगल से है नहीं, हर माँ बाप देता है लेकिन कभी कभार, ऐसे ही नहीं कि टोकरे भर भर के तुम चॉकलेट टॉफियाँ देते रहो बच्चे को, जबकि उसके रिप्लेसमेंट में ये बंदा बच्चे के लिए अच्छे खासे हैम्पर बना सकता था, कोई बादाम काजू कोई अच्छी बच्चे के लिए हेल्दी चीज़ भेज सकता था, लेकिन नहीं, इसको सिर्फ क्या शो ऑफ करना था, चीप सी क्वालिटी के चॉकलेट टॉफियाँ और ऊपर से क्या दो चार छोटे खिलौने और दो जोड़ी कपड़े भेज के बाप ने 5 लाख रुपया कमाया उस मंथ, और बच्चे पे कितना खर्च किया, पाँच हज़ार 10 हज़ार तो बहुत ज़्यादा है, उतना खर्च किया, वो भी शो कर देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो तो, है भाई, अपने दूसरे चैनल की इनकम बोल रहे हैं तो वो भी शो करना, तो लोगों को पता, लोगों को डिफरेंस पता चले कि जब तू कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है तब तुझे कितने आते हैं, जब तू नॉर्मल ब्लॉग बनाता है तब कितने आते हैं, जब तू प्रीतों को पोक करता है तब तुझकी तेरी इनकम कितनी होती है, है ना, फिर लोगों को डिफरेंस पता चलेगा, फिर लोगों को तेरी चालबाजी भी समझ में आएगी कि किस तरह से तू किसी दूसरे परिवार को लेके ही शुरू से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तेरा अपना कुछ भी नहीं है, है ना। तो बहुत सारे लोग हाँ भाई माँ को बधाइयाँ दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, टिपिकल लोमड़ी, टिपिकल कंचन लोमड़ी को बधाइयाँ दे रहे हैं, है ना, ये वो, अरे बेवकूफ़ हो, है ना, गट्स रखो सच बोलने की, बहती गंगा में हाथ धोया इस पूरे परिवार ने, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके उसकी की बर्बादी पे अपनी रोटियां सेक रहा है ये बोना अंकुश, इसकी नागिन माँ और इसकी टिपिकल कंचन लोमड़ी बहन, तीनों एक बंदी की ज़िंदगी बर्बाद करके उस पर रोटियां सेक रहे हैं, तीनों बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, पहले बेटे ने धोए, है ना, फिर बहन धोना चाहती थी, लेकिन फिर उसी कंट्रोवर्सी के चलते बहन का चैनल चालू करवाया गया और अब तीसरा चैनल खोलना चाहता है माँ का अलग से, क्योंकि भाई जिसको बोलता था ना कि ये हम सबका चैनल है, वो तो ले गई, वो तो लूमड़ी ले गई, है ना, वो तो चलाक लूमड़ी ले गई, अब इसको तीसरा चैनल खोलना है माँ का, है ना। तो कॉपी क्या कर रहा है, उनको कॉपी प्रीति के, प्रीति का है, उसकी सिस्टर का है, उसके ब्रदर का है, तीन चैनल उनके हैं तो तीन हम भी खोल सकते हो, हैं तीन बंदे हैं तो ये भी तीन चैनल खोलेंगे, खोलो भाई खोलो, तुम्हारी माँ को भी देख लेते हैं क्या करती है माँ, बहन को तो देख ही लिया है क्या कर रही है, है ना। तो रोटियाँ ये सेक रहा, अब अंधे लोग, मैं तो सीधा बोलूँगी कि क्या किसी से लेना, जो अंधे लोग इसकी फेवर करते हैं उन अंधों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक लड़की की लाइफ ख़राब करके उसी के चले हुए चैनलों पे, उसी की चलाई गई इस लाइन में
अपनी रोटियां सेक रहा है पूरा परिवार, नो डाउट इनकम के लिए करता है भाई, तो फिर अपने बलबूते पे करो। तुम लोगों को तो अब नाम मिल गया, और नाम देने वाली कौन? प्रीति। चाहे बिलीव करो चाहे ना करो, ईगो में जितने मर्जी उठे ऊँचे उठने की कोशिश करो, लेकिन थूक तुम प्रीति का ही चाट रहे हो, है ना। तो बोने अंकुश, तू तेरी नागिन माँ और तेरी लोमड़ी कंचन बहन, थूक तुम प्रीति का ही चाट रहे हो तीनों, हैं। उसी के थूके हुए इस चैनल की जो थूक है ना, वो तुम लोग चाट रहे हो। सीधा बोलूँगी, क्यों रिस्पेक्ट दूँ भाई ऐसे लोगों को? अगर तुम लोगों को ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देनी है तो कर दो अपनी किसी बेटी का रिश्ता बोने अंकुश के साथ। इतनी ही रिस्पेक्टफुल लगती है ना फैमिली, तो कर दो। और फिर बोने अंकुश की माँ जो है नागिन माँ, उसको क्या क्या चाहिए, उसकी डिमांड्स करो पूरी। उसको दहेज चाहिए, उसको सोना चाहिए, कि लड़की के घर वाले उसको सोना। प्रीति के साथ भी यही लड़ाई थी कि मुझे सोने का ये बना के दे, मुझे सोने का। इतनी लालची है ये लेडी। अभी बातें मैंने बहुत सारी बताई नहीं थी, अब बताती हूँ आपको। इस ये चाहती थी कि अपने चैनल की इनकम से प्रीति इसको सोने के कंगन बना के दे। ये बोना भिखारी प्रीति को दिन रात बोलता था कि अपनी माँ को, मेरी माँ को सोने के कंगन बना के दे, मेरी माँ को सोने के कंगन बना के दे। भी सोने के कंगन बनाने वाली कोई बात तो करी होती इसकी माँ ने। मुँह तो इसकी माँ का इतना बड़ा पाथी की तरह फूला हुआ था, और चाहिए उसको कंगन दे, हैं। अब अंधे हो जो लोग, आप लोग अंधे लोग हो जो, जिनको समझ में नहीं आता, तो अब अपने आँखें खोल के देखो, अब इसकी माँ की शक्ल देखो। अब जब माँ को फ़ायदा हो रहा है ना, अब जब माँ के हाथों में पैसे आ रहे, तो माँ की बत्तीसी हमेशा बाहर रहती है। अब देखो माँ के दांत कैसे निकलते हैं, चबड़ चबड़ मुँह कैसे चलता है, खाना कैसे ठूस। भाई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, बोलती हूँ ठूस, तो भाई ठूसना ही होता है। जब आप ऐसे किसी का फ़ायदा उठा के उसी की बदौलत आज कमा रहे हो और उसी इंसान को बुरा दिखा रहे हो, तो ऐसे लोग ठूसते ही हैं खाना, वो खाते नहीं हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी मेहनत का नहीं है, ये किसी को दुखी करके कमाया गया खाना है, उसको ठूस ही रहे हैं। अब इसकी माँ को देखो, अभी पिछले हफ्ते बोल रहा था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, आज मम्मी बाहर का फास्ट फूड खा रही है। मुझे तो रियल बताऊँ, मुझे तो इसकी माँ की तबीयत कभी ख़राब नहीं लगती। मोमोज वो नहीं छोड़ती, बाहर से मिठाई वो नहीं छोड़ती है, बाहर का खाना वो नहीं छोड़ती, पिज्जे बर्गर सब कुछ खाती है। अब भी आज भी जो खा रही थी व्लॉग में, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, फास्ट फॉरवर्ड करके देखती हूँ हमेशा आप लोगों को पॉइंट्स बताने के लिए। अब बताओ भी, पिछले हफ्ते तभी यह ठीक नहीं थी, बाहर का खाना हमेशा ठूसते रहते हो, फिर बोलते हो कि हमें तो घर का खाना शुद्ध सिंपल खाना पसंद है, जबकि महीने में 20 दिन बाहर का खाना हम देखते हैं। तो अब तेरी मम्मी की हेल्थ क्या? वो हेल्थ सिर्फ इसकी मम्मी की तभी ख़राब होती है जब थोड़े से व्यूज़ कम ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर क्या आता है टॉपिक कि मेरी मम्मी की हेल्थ करा, मम्मी को भी चेक कराना है। बस ये चेक करवा दिया मम्मी को, बस हेल्थ में जो कमी थी ना, वो यही थी कि थोड़े सी फास्ट फूड की कमी थी, थोड़ी सी शॉपिंग की कमी थी, है ना, और थोड़ी सी खाज हो रही थी, हाथ में पैसे की कमी थी। फास्ट फूड भी खा लिया, शॉपिंग भी हो गई, और दूसरे चैनल की कमाई भी आ गई, तो मम्मी के सारी जो ब्लड रिपोर्ट में कमियां थी वो पूरी हो गई, तो आज मम्मी के दांत निकल रहे हैं, है ना। आज मम्मी बड़ी खुश है, और आज मम्मी बच्चे को फोर्स कर रही है, ये बोने अंकुश को फोर्स कर रही है कि मुझे भी बनानी है वीडियोस, बेटा मेरा चैनल भी खुलवा दे, अब मुझे भी अपना फ़न फैलाना है YT पे। ये वही कमाई दो नंबरी, जिनको मैं बोलती थी कि कंजरों की कमाई है, वही कमाई मुझे भी अब KANGJER बनके मुझे भी कमानी है बेटा। मुझे भी ये कंजरों वाली कमाई पसंद आने लगी है, हैं, बैठे बैठे घर पे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं बेटा, मुझे भी ये कमाई पसंद आने लगी है। मेरा भी अब तुम्हें वीडियो बनाऊँगी, मेरी वीडियो तो बनाया कर, मैं भी अपना चैनल चलवाऊँगी। अब माँ को ये ख्वाहिश हो रही है इस उम्र में आके, अब इनको ये ख्वाहिश हो रही है, तो समझो समझो। और इस सब का रियलिटी में अगर किसी को ग्रेटिट्यूड फील करना हो ना, तो उसका फील करना चाहिए जिसने आपको हेल्प करी होती है, इस लाइन में डाला होता है, वरना चैनल तो लाखों लोग खोल के बैठे हैं भाई। जब तक कोई सपोर्ट ना हो ना, तो चैनल चलता नहीं है। किस्मत से किसी का निकल गया निकल गया, लेकिन इसका तो हमको शरेआम पता है ना, कोई कुत्ता भी इसको नहीं देखता था। एक दिन प्रीति ने इसके चैनल का शॉर्ट आउट नाम दिया है, शादी के बाद रातों रात 50K हो गए थे इसके। वो थी प्रीति की ऑडियंस, वो थी प्रीति की उस समय पावर, कि वो नॉन थी YT पे, उसकी वजह से ये बना है और ये लाइन चल रही है। फिर बहन आ गई, अब माँ आ जाएगी, तीनों बिकेंगे, है ना। बहन को सलाह दी जाती है, ऐसे कंटेंट बनाते हैं, कड़छी ऐसे चलाते हुए नहीं बोलते, ये नहीं करते वो नहीं करते, हैं। अब बात करते हैं कॉपी कुत्ता और कॉपी कैट की, आपको पॉइंट्स। और कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप फॉरेन में बैठे हो, आपको क्या ज़रूरत है, आप इस बोने अंकुश कुत्ते को ही देखते हो, इसी की बात करते हो, हमारे कुत्ते हमारा पेट है, ये अंकुश बोना अंकुश हमारा पेट है, प्लीज़ आप इस पर मत बोलो। और भी हैं भाई मेरे को, और पे मैं क्यों बोलूँ,
मुझे तो इस बोने अंकुश को ही एक्सपोज करना है। जैसे ये बहुत हद तक तो मैं सक्सेसफुल हुई हूँ, मैंने इसको पूरी इसकी जो जड़ थी ना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना। तो कुछ इक्का दुक्का ही बातें बची होंगी, है ना, वो भी किसी वजह से मेरा मुंह बंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सही टाइम आने से पहले वो बातें बोली जाए, है ना। बहुत हद तक आपको बता भी दी है, इतनी बड़ी मैंने आपको एक बात इसकी बताई थी। लोगों के लिए तो आजकल चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, है ना, ईजी इन द सेंस कि इतना झूठ आ गया है ना लोगों की लाइफ में, कह सकते हैं कि इतना झूठ आ गया है। ये जो एक सोशल मीडिया है, आपको पता भी है कि लोग व्लॉग्स बनाते हैं, कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ इतनी भी आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी से शेयर नहीं करेगा जितनी के मुंह से बोल बोल के, मतलब कि लोग भेड़ बकरियों की तरह ना लाई लग, पंजाबी से बोल देते हैं लाई लग, लाई लग मतलब कि अपना दिमाग की सोचने समझने की शक्ति बंद करके ना बस जिसको देखना शुरू कर दिया उसके बस पीछे लग जाते हैं कि, है ना, कि अगर इसने ऐसा कह दिया तो। भाई झूठ और सच में फ़र्क करना सीखो, है ना। और फ़र्क के लिए पॉइंट्स लॉजिक मैंने आपको बहुत बार बताए कि अगर कोई भी इंसान है ना सिचुएशन के हिसाब से दुनिया चेंज होती है, होती है, लेकिन जो इंसान का करैक्टर है, किसी का नेचर है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आपको आपका जो रियल नेचर है ना वो बाहर निकल के आता ही आता है। इन लोगों का आया, इस भंकुश का आया जब एक लाइव हुआ, इसने किसी लड़की के खिलाफ लाइव किया, उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि अब वो वीडियोस नहीं बनाती है तो उसका नाम लेने का कोई तुक नहीं बनता है, है ना। उसको लाइव में आके इसने कितना गंद बोला, वो इसका सही नेचर था। अब लोग क्या कहेंगे, गुस्से में आ गया था, है ना। तो भाई गुस्से में ही तो बंदे का सही नेचर पता चलता है, जिसमें पेशेंस है वो कभी भी अपना पेशेंस लूज़ नहीं करता है, और अगर लूज़ करता है तो वो अपने शब्द हमेशा तोल मोल के बोलता है कि ना भाई इतना भी मैं गलत ना, क्योंकि जो सही बंदा है, अच्छा संस्कारी बंदा है, वो कुछ भी हो जाए वो अपने संस्कार तो नहीं छोड़ेगा ना। तो फिर इसकी माँ ने इसको यही संस्कार दिए थे जो इस वक्त उसने वो लैंग्वेज यूज़ करी थी, है। जो बंदा अपनी वाइफ को गलत बोल सकता है, तूने शादी की है, तूने बच्चा भी पैदा कर लिया, और तू उसे दूसरी लड़की को फ़ोन पे बात कर करके बता रहा है, नहीं हाँ मेरी बहन भी गलत थी, हाँ मेरी बहन का अबॉर्शन भी हुआ था, हाँ मेरी वाइफ का ये है, मेरी वाइफ का वो है, मेरी माँ ऐसी थी वैसी थी, तू बता भी रहा है, और बाद में जब वो सच्चाई लोगों के सामने लेके आई तो फिर तुझे अपनी प्राइवेसी का पड़ गया कि भाई मैंने तो इस पर यकीन करके बातें बताई थी। पर अच्छा, तो प्रीति ने भी तो तुझसे यकीन करके तुझसे शादी की थी ना, तो उसकी लाइफ तेरे सामने खुली किताब थी, तो उसको शादी से पहले सब कुछ पता था, लेकिन तब तो तू पहाड़ तोड़ रहा था, तब तो तू बोल रहा था तेरा डिवोर्स भी हो गया होता तो मैं तुझसे शादी कर लेता, तेरा ये भी होता तो मैं शादी कर लेता, है। तो फिर अब क्या हो गया था, अब बहन आ गई थी बीच में, अब बहन को वाइफ की जगह लेनी थी, बहन चाहती थी कि जैसे कि अपनी वाइफ के साथ व्लॉग बनाता है, वाइफ को काट दे पत्ता, मेरे साथ व्लॉग बनाए, मेरे चैनल चलवाए, मुझे ये सब कुछ सिखाए, क्योंकि मुझे एक चैनल खोलना, एक चैनल की वजह से, एक चैनल चलाने की खातिर, पैसा कमाने की खातिर तूने अपनी वाइफ छोड़ दी, अपना बच्चा छोड़ दिया, ये संस्कार तेरी माँ ने दिए है। तो जो लोग अंधे हैं, भेड़ बकरियों की तरह देख के यकीन कर रहे हैं, फालतू की बातें सुन के यकीन कर रहे हैं, तो उनके दिमाग कहाँ है भाई। थोड़ा सोचो, देखो, मैं तो ये भी नहीं कहती ओ भाई प्रीति को सपोर्ट करो, उसकी फेवर करो, नहीं, मैं तो ये कहती हूँ आँखें खोलो, देखो, देख कर सोचो, ये वो माँ इसकी जो पहले हमेशा डिप्रेशन में, जब बहू आ गई थी डिप्रेशन में रहती थी, तब तो कभी नहीं सोचा, जब शादी हुई बहू आई तब तो कभी नहीं सोचा कि मैं भी व्लॉगिंग करूँ इनके साथ में, अपनी बहू और बेटे दोनों का सहारा बनूँ। अब बहू का पत्ता कट गया है, है ना, उसको घर से निकाल दिया, अब बेटे का सहारा भी, तुम क्या बेटे का सहारा बनोगी, हैं, बेटा तेरा सहारा बना तो हुआ है, तुमने बेटे का सहारा क्या बनना है। ये मैंने बोला ना, अपनी सहूलत के हिसाब से ये लोग दुनिया के मुहावरों तक को चेंज कर देते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं कि हाँ भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, अब माँ बाप का सहारा बनेंगे। यहाँ चैनल चलाने के लिए, कमाई करने के लिए लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अब माँ मेरा सहारा बनना चाहती है। भाई तू हैंडीकैप है क्या, तेरी टांग टूट गई है, या तेरा बाजू कट गया है, या तू हैंडीकैप हो गया है, तू चल फिर नहीं सकता, तू लब, मेरे मुँह से कुछ गलत शब्द निकलने लगा था, है ना, फ्लो में, कि तू मतलब कि हैंडीकैप हो गया है फुली, तो तेरे को सहारे की ज़रूरत है, अब तेरी माँ तेरा सहारा बनेगी। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं ना हुआ, तो तू काम कर तो रहा है, तू कर तो रहा है, तूने बहन को कमाने लगा दिया, तू माँ को हज़ारों रुपया देता है, अब और कौन सा सहारा बनना है, अब तू किस सहारे की बात कर रहा है। तो सिर्फ क्या, लोगों को अपनी बातों में लेने की, इसको पता है कि भाई देखो आपको हम चलो मैक्सिमम लगा देते हैं, कंट्रोवर्सी को छोड़ के आपको मैक्सिमम 15,000 व्यू आता है ना एक चैनल पर, तो जाहिर है जो आपकी वो 15,000 की ऑडियंस है
वो आपका चैनल भी देखेगी, आपकी बहन का चैनल भी देखेगी, आपकी माँ का चैनल भी देखेगी, अगर बाप होता बाप का भी देखते, कोई और भाई बहन होता उसका भी देखते, है ना, फंडा समझो आप। तो क्या उस ऑडियंस को एक ही चैनल पे कैश करने की बजाय, है ना, ये बंदा 3-4 चैनल्स पे कैश करेगा एक ही घर में। तो अब लोग बोलेंगे हाँ उधर भी ऐसा, हाँ भी उधर भी ऐसा, भाई बहन वो भी अपना कमा रहे हैं, ठीक है ना, अपना कमा रहे हैं, सही है, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, अपने दम पे बने हैं। पर ये अपने दम पे आई थी, फिर उसने अपनी मन मर्जी से सोचा कि मैं अपने बहन और भाई को भी आगे लेके आऊँगी, वो उनको लेके आई, तालमेल से चलते हैं, इनके जैसे लालची नहीं है कि पैसे के लिए लड़ते हैं। इस बंदे ने तो लड़की को फाइनली यूज़ करके पैसे के लिए चैनल चला के फिर बहन को चलवा दिया, फिर माँ का आएगा चैनल, है ना, तो वो तो साफ नज़र आता है, लेकिन वो तो अपनी फैमिली मैनेज करके बैठे हैं ना, उनकी तो आपस में बहुत अच्छी बनती है, सही है, चाहे लोग जितनी मर्जी यहाँ बकवास करें, एक्चुअल में बड़ी कोशिश की जा रही है उनको आपस में लड़ाने की, बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इन सब से ऊपर है, उनको इससे ज़्यादा टाइम हो गया यूट्यूब पे, वो इन सब कमेंटबाजी को, ये जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, ये जो लोग फालतू में बकवास करते हैं, उनसे ऊपर उठ सके, वो इन लोगों पे अब मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होते इन चीज़ों से, उनको पता चल गया पर्सनल और सोशल मीडिया इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है, जो कि इस बंदे को नहीं रखना था। लगातार 15-20 लग जाओ इसको नेगेटिव कमेंट करने, है ना, तो इसकी माँ बहन एक हो जाएगी, समझे ना, ऐसे इनके माइंड है। और लोग अंधे जो सिर्फ सुनते हैं यकीन कर लेते, तो आप हो जब आप एक्चुअल लाइफ में किसी पे ऐसे यकीन नहीं कर पाते तो सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हो, है, मैंने तो आपको बहुत सारे फैक्ट, मैंने इतनी बड़ी बात बताई लोगों के लिए, मैंने वही जो टॉपिक मैं छेड़ना चाहती थी, लोग आजकल क्राइम पेट्रोल देखते हैं, लोग आजकल इतनी फिल्में इतना कुछ देखते हैं कि ये जो जो क्राइम्स हम देखते हैं वो हमको लगता है कि आम बात हो गई है, आम बात नहीं है, इसने क्राइम करा है। मैंने आपको बोला कि इसने, मैंने आपको वीडियो भी डाली थी, ये कम उम्र की लड़कियों को अब्यूज़ करता था, और लोगों के लिए ये बहुत आम सी बात हो गई, लोगों को लगता है नहीं बस छेड़ छूट दिया होगा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिस तरह की साइकोलॉजिकली इसको प्रॉब्लम है ना, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर तो कोई भी अपनी लड़कियों को इसको पास भी नहीं लगने देगा, है, जो इसका हाइपर डैश डैश डिसऑर्डर है ना, अगर किसी को पता चल जाए तो कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन है इसमें ये प्रॉब्लम है, ये लड़कियों के बारे में बहुत गंदा सोचता है, मैं सीधा आपको बताती हूँ, ये जो ऊपर ऊपर से कुछ ना, और जितने भी इक्के दुक्के तिक्के छक्के हैं, है ना, जो यहाँ पे आते हैं फिर इसकी फेवर में कमेंट करने आते हैं, ये वो बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं, भाई तुम लोगों के कमेंट करने से मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको पड़ेगा। अगर जो मुझको कमेंट आते हैं ना इसकी माँ के बारे में, इसकी बहन के बारे में, इसकी माँ के बारे में, इतने गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं, वो वही होंगे जो उनको जानते हैं गांव में। अगर मैं उन कमेंट्स को शो करने लगूँ, मैं उन कमेंट्स को पिन करने लगूँगा ना, तो इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लोग यहाँ कमेंट्स में, हो सकता है इसके गाँव के हो या इसके कोई सके रिश्तेदार ही हो, इस लोग यहाँ मुझको कमेंट्स में पूरे पूरे लेसन लिख लिख के भेजते हैं कि जब इसकी माँ नई ब्याही आई थी तो उसने ऐसा किया था, अपने बच्चे के साथ ऐसा किया, देवर के साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया, वैसा किया, इतनी इतनी बड़ी स्टोरीज मुझे भेजते हैं, तो मैं कर दिया करूँ पिन कमेंट। तुम लोगों की गालियाँ निकालने से, कुछ लिख देने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं तो फॉरन में बैठे, भाई मैं तो बैठी हूँ, मेरी लाइफ चिल, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, लेकिन इसको एक्सपोज करने का मेरे माइंड में, जब कहते हैं ना वो कीड़ा घुस गया तो घुस गया, अब मुझको जब भी टाइम मिलता है जो जो पॉइंट मेरे माइंड में आते हैं मैंने बोलने हैं। और जब तक प्रीति की लाइफ के साथ उसके साथ इंसाफ नहीं हो जाता ना, तब तक बोलती रहूँगी। चैनल वैनल चलाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, मुझको कोई, कभी आप लोगों ने देखा है मुझे, मैंने आप लोगों को बोला हो कि प्लीज़ मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो, कभी बोला मैंने आप लोगों को? आप दो लोग भी देखो ना, आप दो दो देखो, 200 देखो, 2000 देखो, मैं तब भी अपनी, जब मुझे टाइम लगता है मैं अपनी ऑडियो डालती हूँ, मैं अपने पॉइंट्स रखती हूँ आप लोगों के सामने, है ना, बस। और जिस दिन प्रीति को इंसाफ मिल गया, उसकी लाइफ स्मूथली अपनी एक तरफ हो गई, अलग अपनी ज़िंदगी में वो सेटल्ड हो गई, हम बंद कर देंगे, कोई लेना देना नहीं है हमको इससे, सोशल मीडिया से या YT से, लेकिन आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी तो उठाई। जो इस बोने अंकुश के ज़्यादा सगे बैठे हैं ना, मेरा एक ही उन लोगों से क्या उसको बोलते हैं, सवाल नहीं, एक ही उन लोगों को मेरा, समझ लो क्या कह सकते हैं, पता नहीं, लेकिन मैं यही उन लोगों से कहूँगी कि अपनी बेटी का रिश्ता कर दो इसके साथ, अपनी बेटी का रिश्ता कर दो इसके साथ, इनके मुंह भरो, इसकी माँ का मुंह भरो, और अपनी बेटी को फिर बोलो कि जैसे प्रीति को ये फोर्स करते थे ना, वो सब कुछ तू करना, अब
फिर देखेंगे तुम्हारी बेटी कितने के दिन टिकती है वहाँ पे। अपनी बेटियों के लिए जितने यहाँ पे बौने अंकुश को सपोर्ट करने आते ना, अपने बेटियों के लिए बड़ा स्टैंड लेते होंगे, या फिर ये ऐसे घटिया लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियाँ ब्याह दी है उसके बाद उनकी खबर भी नहीं लेती। शादी कर दी मतलब कि बेटी मर गई, उसके बाद उसको पूछना नहीं है बस। ऐसा इनका। और ये जो बोना अंकुश है इसका क्या है, बहन ने चार घाट का पानी पिया, बहन ने चार घाट का पानी पिया, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो उसका चार घाट का पानी पिया छुप गया। और जो सोशल मीडिया पे है उसको हम जो मर्जी बोल सकते हैं, है ना। बहन का अबॉर्शन भी बोलता है कि नॉर्मल है, शादी से पहले अबॉर्शन हुआ ना बहन का, वो नॉर्मल है कोई बात नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं है उसकी बात नहीं करें, ये बोला गया था अथिया को, है ना। तो वो नॉर्मल है भी, है वो फिर भी इज्जतदार है क्योंकि उसने शादी से पहले ये सब कुछ ये किया, लेकिन वो फिर भी इज्जतदार है क्यों, क्योंकि वो सोशल, अब तो आ गई ना सोशल मीडिया पे, अब तो हम फिर जैसे मर्जी घटीसते हैं उसको, है अब तो हमारे पास पूरे राइट है उसकी लाइफ स्टोरी शेयर करने का। और लेटेस्ट लव स्टोरी शेयर करने का भी चंदन के साथ है, ये भी बताओ ना कि बहन की किधर लव स्टोरी चल रही है अब प्रेजेंट में, लेकिन बहन फिर भी सती सवित्री बन के बैठी है कि नहीं, कोई नहीं। और ये बहुत लंबा हो रहा है आज का जो मेन पॉइंट था व्लॉगिंग। अब ये जो टिपिकल कंचन लूमड़ी है इसकी व्लॉगिंग क्या चल रही है, प्रिया बनने की कोशिश कर रही है। गाइस जो जो मेरी बात से सहमत है प्लीज़ कमेंट जरूर करना, प्रिया बनने की कोशिश कर रही है। इसको लगता है कि जैसे प्रिया रातों रात वायरल हो गई थी ना उसकी एक वीडियो, मैं भी ऐसे ही वायरल हो जाऊँगी, है ना। तो ये बंदी पूरी उसकी कॉपी कर रही है, उसी की तरह व्लॉग्स बनाने खाने की। तो भाई फिर उससे एक बात सीख ले, उससे सफाई करना भी सीख ले, अपने घर को मैनेज करना भी सीख ले। इतना गंदा है तेरे ससुराल में कि देखने को दीवारें दिल नहीं करता है। तो जैसे वो मैनेज करती है अपना कमरा, अपना घर, एक कमरा हो, दो कमरे हो, चाहे तीन कमरे वाला घर हो, किस तरह से मैनेज करती है ये भी सीख ले। कॉपी करनी है तो अच्छी चीज़ों की करो, है ना। एकदम से उसको कॉपी करने के लिए व्लॉग शुरू किए इसने, जैसे वो करती है सेम टू सेम, कोशिश करती है कि बोलूँ भी उसके जैसे। और ऊपर से प्रिया ने इतना कुछ करने के बाद, जैसे प्रिया ने गाड़ी सीखी, सबसे मेन बात गाड़ी सीखी, आज प्रीमियर लगा दिया कि भाई मेरी बहन ने भी गाड़ी सीख ली। मेरी बहन ने भी गाड़ी सीख ली, मतलब पूरी कॉपी प्रिया की हो रही है। जैसे प्रिया बोलती है ना कि एक गांव की लड़की जो साइकिल चलाने से भी डरती थी, है ना, आज गाड़ी चला रही है। तो भाई साहब टाइटल लग गया, टिपिकल लड़की ने चलाई गाड़ी है। टिपिकल लड़की क्या होता है भाई, टिपिकल लड़की क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय टिपिकल लड़की, सीधा बोलना चलाक लोमड़ी। भाई का घर उजाड़ कर चैनल चलाने वाली चलाक लोमड़ी अब भाई की साली की कॉपी करके गाड़ी सीख रही है। बताओ ना शरेआम के हम कॉपी करते हैं, हम उनसे जेलसी भी करते हैं और हमको बनना भी उनके जैसा है, है ना। हम उनसे जेलसी भी करते हैं, हमको बनना भी उनके जैसा है, हमको कपड़े भी उनके जैसे पहनने हैं, हमको उनकी कॉपी भी करनी है, हमको उनका स्टाइल भी चोरी करना है, लेकिन फिर भी हम उनको पसंद नहीं करते, लेकिन वो उनका ही खाना है। रियली सॉरी सॉरी सॉरी, फ्लो फ्लो में निकल गया, चलो इंग्लिश में बोल देते हैं, शिट उनका ही खाना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, उन्हीं का शिट खाना है, उन्हीं को कॉपी करना है और जेलसी भी उन्हीं से करना है। तो ज़्यादा ऑडियो लंबा नहीं करते, बाकी बातें परसों करेंगे, डेली तो नहीं डालूंगी, परसों या फिर परसों बरसों चौथ जो भी होगा, जब भी लगा दिल को तो डाल देंगे, है ना। तो प्लीज़ गाइज आज मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलूँगी, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो। और आज उस बंदे को जो मुझे चैप्टर लिख लिख के, लेसन लिख लिख के भेजता है, उसको भी मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि इस बार लिखो चैप्टर, इस बार लिखो चैप्टर इस बौने अंकुश की माँ पर, जो मैंने हर बार डिलीट किया, मैं इस बार पिन करूँगी तुम्हारा कमेंट। तो प्लीज़ अनुरोध है हाथ जोड़ के, अब करो, तुम्हारी मेहनत जो मैं हमेशा वेस्ट करती थी, अब मैं उस पिन कमेंट को पिन करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।